प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, कई इनकाउंटर ऐसे हुए हैं। सवाल इस प्रदेश में इनकाउंटर का नहीं है, इनकाउंटर हो सही व्यक्ति का, जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें दंडित किया जाए। अभी जो भी इनके इनकाउंटर सुल्तानपुर डकैती को लेकर के हुए हैं वो तो दोनों फर्जी हैं, दोनों परिवार के लोग गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इसलिए हम इस प्रदेश सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इंसाफ की डगर पर चले, और इंसाफ का रास्ता ही इस देश में सच्ची पूजा भगवान की होगी, और इंसाफ के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो देश बिगड़ जाएगा, प्रदेश बिगड़ जाएगा। दूसरे इनकाउंटर के उसमें बोला उन्होंने कि क्या अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, एक ठाकुर जी इनकाउंटर हो गया। यहाँ ठाकुर और यादव की इनकाउंटर का सवाल नहीं है, सवाल है इंसाफ का। सुल्तानपुर की डकैती में सीसी फुटेज कैमरे लगाए गए थे, उसमें दोषियों को पकड़े, डकैती करने वालों को जेल में भेजे, दंडित करें। ये देश सभी जात धर्म के लोगों का है, इंसान से एक इंसाफ की जो उम्मीद होती है उस रास्ते पर मुख्यमंत्री को चलना चाहिए। और पूरी तरह से इस समय उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में गुंडा राज स्थापित है, ना तो महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है। सुरक्षा के सवाल पर तमाम ऐसे बेटियों के साथ जो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाने के बाद वो घर वापस नहीं आ पा रही हैं, उनके पास सामूहिक रेप हो रहे हैं, और रेप के बाद मर्डर भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ उनके आँख और तमाम ऐसे शरीर के अंग हैं जिनको विक्षिप्त कर दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से फिर ये निवेदन के साथ कर रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार चले, न्यायपालिका के आधार पर काम करें, और साथ ही साथ जो इस देश के अंतिम व्यक्ति पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, समाजवाद के माध्यम से उसके आधार पर उन्हें चलना चाहिए। नहीं तो आज पूरी तरह से नौजवान आक्रोशित है, किसान भी आक्रोशित हैं, और महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर जो पीड़ा है, जो दर्द है, आने वाले 2027 के चुनाव में निश्चित रूप से इस प्रदेश का नौजवान, महिलाएं, मजदूर सभी लोग बदला लेने का काम करेंगे। कांग्रेस भी फूलपुर के लिए कर रही है, वो कह रही है अगर जरूरत पड़ी तो 200 सीट पे हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो क्या टकराव है गठबंधन में? कोई टकराहट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की घोषणा के पूर्व ये तय कर लेंगे कि किनको किन सीटों पर लड़ना है चुनाव। किस तरीके से तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर? हमारी तैयारियां जिस प्रकार से लोकसभा 2024 की तैयारी थी, उसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश 10 उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है। एक तरफ जनता चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ सरकार चुनाव लड़ेगी, तो सरकार हारेगी और जनता जीतेगी। फूलपुर में क्या कैंडिडेट सपा का होगा या फिर? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको तय करेंगे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुकानों के लिए अपना नाम प्रदर्शित करेंगे और जात प्रदर्शित करेंगे। यही तो इनकी सांप्रदायिक भावना है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इस देश में सांप्रदायिकता का बीज बोया था, वही बीज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बो रहे हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र को खतरा है, और इस लोकतंत्र में रहने वाले ऐसे लोग जो इंसाफ की राह पर चलना चाहते हैं, जो वास्तव में जिनके अंदर इंसानियत है, वो अपनी इंसानियत को भी नहीं कर पा रहे हैं, गिन गिन करके उन्हें सांप्रदायिकता के आधार पर उनको पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए
हम सभी लोग मिलकर के भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो ओबीसी एससी का आरक्षण है, एसटी का, आदिवासियों का, उसे सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने दिखा दिया इस देश में नई संसद बना करके, और उस नई संसद में शेंगोल की स्थापना कर दिया, और जो वास्तव में शेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इसलिए ऐसे राजतंत्र और कुलीन तंत्र को जब कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सपनों में भी नहीं देखा था। इसलिए ऐसी लोकतंत्र शाही व्यवस्था को, जो वास्तव में अपने आप को हिटलर वाली तानाशाही की व्यवस्था से मूल को चलाना चाहता है, उसको देश की जनता नहीं बख्शेगी। जो काम करना उनको ये है कि अपनी जाति प्रदर्शित करनी पड़ेगी, इसको लेकर के क्या है? देखिए, इस संदर्भ में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। सरकार को सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोरोना टाइम में एक बड़ा संदेश दिया लोगों को कि दलित की सब्जी की दुकान से लोग सब्जी न खरीदें, मुस्लिम समाज का बेटा या भाई कहीं अगर अंडे की दुकान लगाया है तो उनकी दुकान से अंडा और सब्जी न खरीदे। तो नेम प्लेट के नाम पर आम जनता में बड़ी नाखुशी रही है, और साथ ही साथ देश की न्यायपालिका ने इस पर सरकार को अंकुश लगाने का काम किया है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि हम न्यायपालिका के द्वारा आदेशित जो भी नियम हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। यदि वे न्यायपालिका का पालन नहीं करेंगे तो जनता भी जागरूक है, वो कार्यपालिका की भी कार्य को जानती है, व्यवस्थापिका को भी जानती है और न्यायपालिका को भी जानती है। तो हमें संसद की इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम करना चाहिए कि ये देश सांप्रदायिक नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, सभी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मजबूती मिल सके। उन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से काम कर रही है और न्यायपालिका जो कह रही है उसका पालन कर रही है। पूरी तरह से हिटलर शाही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि 10 साल से ज़्यादा किसी की हिटलर शाही नहीं चलती है। उसी प्रकार से देश में इनकी 10 साल के शासन में इनकी हिटलर शाही का पता चल गया। इन्होंने 400 के पार का एजेंडा दिया भारतीय संविधान को ख़त्म करने का, लेकिन उत्तर प्रदेश के जाबाज सभी लोगों ने, हर जात धर्म के लोगों ने इस बात का सबक दे दिया कि आप सत्ता पर पहुंचने के काबिल नहीं रहोगे। और तो और कहे, प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 लोकसभा की सीट चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने उनका रास्ता रोक करके 244 के ठिकाने पर लगा दिया। काजी साहब इलाहाबाद जैसे गौरवशाली जनपद के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, और इनका कार्य जितना धर्म के क्षेत्रों में रहा है उससे भी कहीं बढ़ चढ़ करके जो है शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में जो बेहतरी समाज के लिए करने का काम किया है वह अपने आप में बेजोड़ है। ऐसे शख्स के न रहने पर समाज आज दुखी है, और इस दुख की पावन बेला पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उनके परिवार के बीच में हमें भेजने का कार्य किया है, और हम सभी मिल करके जो उनके आदर्श रहे हैं उनके पदचिन्हों पर चल करके हम इस शहर उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।